नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर एक बार पुनः मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर, आज की क्लास हमारी BA प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। तो पिछली क्लास में हमने अध्ययन किया था नव पाषाण काल के उद्योग धंधों के बारे में, जो पाषाण काल स्टोन एज को 3 भागों में बांटते हुए पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो नव पाषाण काल के दौरान जो नव पाषाणकालीन मानव का जीवन कैसा होता था और किस तरीके से वह रहता था, उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। उसके तहत हमने अध्ययन किया कि मानव नवपाषाणकालीन मानव का निवास स्थान कैसा था, कहाँ पे वो रहता था। शुरू में धीरे धीरे उसके द्वारा जो पेड़ पौधों पे आवास बनाया गया, जो पहाड़ी क्षेत्र में आवास बनाया गया, और धीरे धीरे वह जो नदी तटों के आसपास बसने लगता है। उसके पश्चात हमने उसके द्वारा प्रयुक्त किए गए मर्द भांडों के प्रयोग के बारे में जाना कि किस तरह के बर्तनों का वो प्रयोग करता और धीरे धीरे कैसे उसने बर्तनों का प्रयोग करना सीखा, और उसके अलावा किस तरीके के औजारों का उसके द्वारा प्रयोग किया जाता था, औजार जो पीछे की तुलना में किस तरीके से उन्नत होते चले जाते हैं, और धीरे धीरे मानव जो पीछे की बजाय आगे काफ़ी सभ्य होता चला जाता है और काफ़ी आविष्कार उसके द्वारा कर लिए जाते हैं। नवपाषाण काल की बात करते हैं, नवपाषाण काल में उसके द्वारा जो चाक का आविष्कार कर लिया जाता है, अग्नि का प्रयोग भोजन पकाने में शुरू कर लेता है। हालाँकि अग्नि से परिचित जो मानव मध्य पाषाण काल के दौरान ही हो जाता है, पूरा पाषाण काल के दौरान मानव अग्नि से अपरिचित रहता है, और धीरे धीरे मानव को अपने जीवन में धीरे धीरे जो जीवन सुरक्षित बनाने लग जाता है। और बात करते हैं तो बर्तनों की, जो बर्तनों का प्रयोग उसके द्वारा किया जाने लग जाता है, और खाद्य सामग्री में कृषि से उत्पादित खाद्यान्न भी उसके द्वारा खाए जाने लगते हैं, और मानव धीरे धीरे प्रगति की ओर अग्रसर होता रहता है। तो आज मुख्यतः हम बात करने वाले हैं जो नवपाषाण काल के दौरान मानव द्वारा भोजन एवं अग्नि का प्रयोग, अग्नि का किस तरीके से भोजन पकाने में प्रयोग होता था, और मानव के द्वारा जो अंतिम संस्कार किस तरीके से किए जाते थे, उसके बारे में आज हम मुख्यतः करेंगे। तो सर्वप्रथम बात करते हैं तो स्वाभाविक जिज्ञासा विद्यार्थियों के मन में आती है कि किस तरीके से मानव के द्वारा शुरुआती दौर में अग्नि का प्रयोग किया गया होगा। पता नहीं कैसे मानव को पता चला था कि इस अग्नि से भोजन भी पका के खाया जा सकता है। तो कैसे मानव, जो आज हमें जो ये अग्नि से जो हम परिचित हैं, और इसके पीछे पता नहीं कितने व्यक्तियों का, और आज जो अपने पास जो उन्नत तकनीकी टेक्नोलॉजी है उसके पीछे कई व्यक्तियों का योगदान रहता है। तो आज जो सभ्यता हमारी, जो विकसित सभ्यता है इतनी, उसके पीछे कई लोगों का योगदान है, और उसके द्वारा ही हमें इन निरंतर जो विज्ञान के क्षेत्र में ले लो आप, विज्ञान के क्षेत्र में जो तरक्की की है मानव ने, इन सब के पीछे मानव जीवन का योगदान रहता है, और काफ़ी लंबे समय से जो धीरे 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 करते ये जो मानव यहाँ तक पहुँचा है। तो आग की बात करें तो आग से परिचित मानव जब कब होता है, मध्य पाषाण काल के दौरान आग से परिचित होता है। अब आग का प्रयोग करना कैसे सीखता है, मानव ने देखा होगा कभी आग जलते हुए, तो आपने कई बार सुना होगा जो जंगलों में आग लगती है, जंगलों में आग जो अपने आप लग जाती है, जो बांस के पेड़ होते हैं जो आपस में रगड़ खा के चिंगारी उनसे उत्पन्न हो जाती है जिससे आग लग जाती है। अगर बात की जाए तो कैलिफोर्निया का जंगल है अमेरिका में, तो कई बार आप न्यूज़पेपर्स वगैरह भी पढ़ते होंगे, उसमें भी जो कैलिफोर्निया के जंगल में आग लग जाती है, कभी कभार जो अमेजन के जंगल है दक्षिण अफ्रीका में वहां भी आग लग जाती है। तो इस तरीके से जो आग लगती है उससे मानव उस आग को देखता है। अब धीरे धीरे मानव द्वारा उस आग का प्रयोग करने कैसा सीखता है, मानव को ये कैसे लगता है कि इस आग से जो मानव जीवन सुरक्षित हो सकता है और मानव जीवन के लिए ये चीज़ काफ़ी प्रयोग, क्योंकि स्वाभाविक तौर पे अगर देखा जाए तो अग्नि से तो आग से तो सभी दूर भागते हैं, चाहे जानवर हो चाहे कोई हो। तो उस समय के दौरान मानव द्वारा इस आग का अपने हित में कैसे प्रयोग शुरू किया जाता है, तो मानव द्वारा जो आग जलाना कैसे सीखा जाता है, संयोग से एक बार क्या होता है कि जो ये मानव को कैसे पता चलता है कि जो कच्चा जो भोजन हम खा रहे हैं उस कच्चे भोजन को पका के भी खाया जा सकता है। एक बार संयोग से क्या होता है, जो जंगल में आग लग जाती है और जंगल में आग लगने के पश्चात कोई जानवर उसमें जल जाता है, और मानव के द्वारा क्या है उस जानवर के मांस को खाया जाता है, क्योंकि मानव पहले जो कच्चा मांस खाता है, नवपाषाण काल के दौरान बात की जाए तो मानव के द्वारा कच्चा मांस ही खाया जाता है। तो उसके पश्चात जब वो जानवर जला हुआ और भुना हुआ जानवर मानव के द्वारा खाया जाता है शुरुआती दौर में, तब उसका स्वाद अलग होता है और वह काफ़ी उसे
अच्छा लगता है कच्चे मांस की बजाय तब मानव के द्वारा जो आग का प्रयोग जो भोजन को पकाने में शुरू किया जाता है। अब ये मानव ने आग जलाना कैसे सीखा, तो आप स्वाभाविक तौर से देखते होंगे कि आग जलाना आपने डिस्कवरी चैनल भी देखते हो जिसमें जो बियर्स है वो या वो नाटक जो सॉरी बियर्स है उनका जो शो आता है उसमें उसके तहत बताया जाता है कि जंगल में कैसे सर्वाइवल किया जा सकता है मानव के द्वारा अगर आपके पास माचिस भी नहीं हो तो कैसे आग जलाते हैं। तो उसमें आपको बताते हो पत्थरों की रगड़ लगा के और जो लकड़ी से आग पैदा करते हुए दिखाते, तो वैसे ही मानव ने जो नैसर्गिक अवस्था दिखाने का प्रयास ही उन डिस्कवरी चैनल वालों के द्वारा किया जाता है जो बियर्स के द्वारा। तो मानव द्वारा क्या किया जाता है शुरुआती दौर में जो क्या है पत्थरों को आपस में रगड़ के और चिंगारी पैदा की जाती है रगड़ के द्वारा और उससे आग जलाना सीखा जाता है मानव के द्वारा। और लकड़ियों की जैसे लकड़ी की रगड़ होती है जैसे जंगल में अपने आप आग लगती है लकड़ी की रगड़ से भी मानव के द्वारा क्या होता है आग जलाना सीख लिया जाता है। ऐसे मानव के द्वारा क्या है आग जलाना सीखा जाता है। और उसके पश्चात जब मानव के द्वारा अग्नि का आविष्कार कर लिया जाता है अग्नि के आविष्कार से मानव जीवन सुरक्षित और सुविधाजनक हो जाता है, बहुत ही बेहतर सुविधाजनक होता है मानव को काफ़ी सुविधाएं हो जाती। अब ये सुविधाएं क्या क्या सुविधाएं होती है, तो पहली बात की जाए तो भोजन को पकाकर खाने में अग्नि का प्रयोग मानव के द्वारा शुरू किया जाता है। इतने दिन वह कच्चा मांस खाता था और वह उसकी बजाय अब मानव के द्वारा जो पके हुए मांस को खाना शुरू कर दिया। अगर पके हुए मांस की बात की जाए तो इससे मानव जीवन सुरक्षित होता है क्योंकि जो कच्चे मांस में कई बैक्टीरिया वगैरह कई जीवाणु कीटाणु रहते हैं उनको जो पकाने के पश्चात वो भोजन काफ़ी सुरक्षित हो जाता है। और उसके पश्चात बात की जाए तो भोजन के प्रयोग के अतिरिक्त बात की जाए जब सर्दी शीतकाल आता है तो शीतकाल में सर्दियों में मानव के द्वारा जब यूं पहले यूं ठिठुरता रहता था जब अग्नि का प्रयोग करना इसके द्वारा नहीं सीखा गया, अब सर्दियों में भी अपने आप को सर्दी से अपने शरीर का बचाव करने लग जाता है और इसके द्वारा अग्नि के द्वारा उष्णता और ताप प्राप्त करने लग जाता है मानव के द्वारा। अब बात की जाती है तो और उसके द्वारा क्या क्या प्रयोग किया जाने लगता है। जब मानव क्या कर रहता है कि शुरुआती दौर में क्या करता है कि जंगलों में ही रहता है, अब जंगलों में रहता है तो चारों तरफ वो हिंसक पशुओं से घिरा हुआ रहता है। अगर रात के समय अब मानव के द्वारा रात के समय अपने आप को सुरक्षित करने के जंगल में आग लगाकर उसके पास वो रहता है और ये आपको पता होगा कि जो आग है उसके पास है जो कोई जानवर नहीं जाता है, अब हिंसक जानवरों से मानव का बचाव भी होने लगता है। अब बात करते हैं जो क्रांतिकारी आविष्कार की बात की थी हमने जो नवपाषाण काल के दौरान हो जाता है मानव के द्वारा कृषि कार्य या कृषि क्रम करना शुरू कर दिया जाता है। अब मानव के पास जो पहले खाद्यान्न सामग्री की जो इसके पास कमी आने लग जाती है क्योंकि मानव की तादाद धीरे धीरे बढ़ने लगती है और इसके द्वारा अन्य विकल्प खोजे जाते हैं। अन्य विकल्प के तहत मानव के द्वारा जो कृषि कर्म या कृषि कार्य करना सीख लिया जाता है। जब कृषि कार्य करना सीख लिया जाता है तो खाद्यान्न की प्राप्ति उसे अनाज के रूप में होने लगती है कृषि। अब उस अनाज को पकाकर मानव के द्वारा खाना यहाँ शुरू कर दिया जाता है जिसके लिए अग्नि की आवश्यकता हो, मानव के द्वारा चूल्हे में अग्नि का प्रयोग यहाँ शुरू कर दिया जाता है और पका हुआ भोजन उसके द्वारा तैयार भोजन खाया जाने लगता है। ये मानव के द्वारा जो कृषि क्षेत्र में उन्नति तरक्की करने के पश्चात उसके जीवन को काफ़ी जो सुविधाजनक यहाँ बना दिया जाता है। अब बात करते हैं मानव के द्वारा पशुपालन जहाँ शुरू कर लिया गया था, हमने बात की थी मध्य पाषाण काल के दौरान जो मानव पशुओं से पशुपालन का कार्य शुरू कर देता है उसके पश्चात उस समय तक मानव के द्वारा पशुपालन कैसे किया जाता है। मानव के द्वारा पशुपालन किया जाता है कि पशुओं से कच्चा मांस प्राप्त करने के लिए। अब मानव के द्वारा पशुपालन से अतिरिक्त खाद्य सामग्री जैसे दूध का प्रयोग किया जाने लग जाता है। दूध से जो दही घी मक्खन बनाने की तकनीक भी मानव के द्वारा सीख ली जाती है और उस तकनीक के तहत मानव के द्वारा उसे अग्नि के द्वारा दूध का प्रयोग करना शुरू कर दिया जाता है और पशुओं के अतिरिक्त उत्पादन है जो अन्य उत्पादन का प्रयोग भी यहाँ भरपूर तरीके से करना शुरू कर दिया जाता है। और बात की जाए पेड़ पौधों के रसों की जो ताड़ है ताड़ का पेड़ है उसकी ताड़ी का प्रयोग मानव के द्वारा किया जाने लग जाता है गर्म करके और उसके अलावा जो पेड़ पौधों के जो रस है उनका भी प्रयोग किया जाता है। और मानव यहाँ पे
जिस तरीके से सूप का प्रयोग करते हैं उस तरीके से मानव द्वारा जब आग का प्रयोग सीख लिया जाता है तो पेड़ पौधों से अतिरिक्त खाद्य सामग्री भी प्राप्त करने लगता है। क्योंकि पहले बात की जाए तो मानव खाद्य सामग्री सिर्फ पेड़ों से कंदमूल फल फूल और जो कच्चे मांस के द्वारा ही प्राप्त करता है, इसके अलावा अतिरिक्त खाद्य सामग्री यहाँ बढ़ जाती है और मानव जीवन को अग्नि के द्वारा और ही सुविधाजनक यहाँ बना दिया जाता है। इस तरीके मानव के द्वारा अग्नि का प्रयोग किया जाना शुरू हो जाता है। अब अपन बात करेंगे नवपाषाण काल के दौरान जो अंतिम संस्कार प्रक्रियाएं कैसी होती थी और मानव धीरे धीरे जब सभ्य होने लगता है तो मानव के द्वारा इस अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को भी अपना लिया जाता है और अलग अलग प्रक्रिया इसके द्वारा अपनाई जाती है। मूल रूप से बात की जाए तो अंतिम संस्कार के दौरान जो तीन तरह की प्रक्रियाएं प्रचलित थी, और एक तो पूर्ण समाधान प्रक्रिया थी, एक आंशिक समाधान प्रक्रिया थी और एक कलश समाधान प्रक्रिया थी। अब ये प्रक्रियाएं कैसी होती इसके बारे में हम विस्तार से बात करते हैं। पूर्ण समाधान प्रक्रिया कैसी होती है? पूर्ण समाधान के तहत क्या होता, व्यक्ति को जो कब्र के अंदर जो जमीन में खड्डा खोद के उसके अंदर दफना दिया जाता था, और दफनाने के साथ साथ मानव के द्वारा और भी कई तरीके के जो संस्कार साथ में प्रचलित, मानव के द्वारा जो दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली चीज़ें होती जैसे मर्दबांड है कोई चीज़ है तो उनको भी कब्र में साथ में दफनाया जाने लगता। अब यहाँ तक आने के पश्चात मानव ने जब अंतिम संस्कार का यहाँ जो अंतिम संस्कार क्रिया का यहाँ विस्तार कर लिया जाता है और उसके द्वारा बात की जाए तो मानव के गड्ढों में जब मानव को गड्ढों में दफनाया जाता है और उसके साथ साथ उसके ज़रूरत की चीज़ें उनको भी साथ में दफनाया जाता है। उसके अलावा बात की जाए तो यहाँ अलग जो कई जगह कब्रिस्तान भी देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से पूर्ण समाधान प्रक्रिया वो होती है जिसके तहत मानव को ज़मीन में खड्डा खोदकर दफनाया जाता है, उसे पूर्ण समाधान प्रक्रिया कहते हैं। अब आंशिक समाधान प्रक्रिया भी कई जगह देखने को मिलती है या प्रचलित रही है, ये विद्वानों का मत है। अब आंशिक समाधान कैसा होता है? आंशिक समाधान ऐसा होता था कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती तो उस व्यक्ति के शरीर को जंगल में जो जंगली जानवरों को खाने के लिए यूं ही छोड़ दिया जाता था, उसे आंशिक समाधान प्रक्रिया कहा जाता है। और एक कलश समाधान प्रक्रिया भी यहाँ मिलती है। तो इस कलश समाधान प्रक्रिया कैसी होती थी उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो कलश समाधान प्रक्रिया ऐसी होती जिसके तहत किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती थी तो उस व्यक्ति को जलाया जाता था, और जलाए जाने के पश्चात जो भस्म उसकी रहती थी उस भस्म को एक कलश में डालकर जो मिट्टी के बर्तन में डालकर और जमीन के अंदर खड्डा खोद के दफना दिया जाता था। ये दफनाएं कई जगह देखा है हमने, जो पुराने घर वगैरह मिलते हैं नवपाषाण काल के दौरान, तो उसमें क्या होता है जो मकान होता है मकान के आंगन में तहखाने में जो खड्डा खोद कर वहीं पर जो मृत व्यक्ति की हड्डियों जो भस्म को दफना दिया जाता था उसे जो कलश समाधान कहा जाता है। और पूर्ण समाधान के तहत हमने देखा कि उनके साथ जो ज़रूरत की दैनिक उपयोग की वस्तुएं होती उनको भी साथ में दफना दिया जाता है। इस तरीके से मानव जीवन जो नवपाषाण काल के दौरान बात की जाए तो अग्नि का प्रयोग इस तरीके से मानव द्वारा किया जाता है, भोजन का प्रयोग भोजन पकाने में, और ये अंतिम संस्कार प्रक्रिया वहाँ देखने को मिलती है। जब मानव जीवन धीरे धीरे अग्रसर होता है, धीरे धीरे पुरापाषाण काल से नवपाषाण काल की तरफ जाता है और उसे जो अपने मानव जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए काफ़ी आवश्यकताएं होती, कहा जाता है ना आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। जिस तरीके से उसे और आवश्यकताओं की अनुभूति होती है तो मानव के द्वारा नए नए आविष्कार और खोज कर ली जाती है। उन आवश्यकताओं के कारण ही मानव के द्वारा जो बात की जाए नवपाषाण काल में जो चाक का आविष्कार कर लिया जाता है, और बात की जाए तो पहिए का आविष्कार कर लिया जाता है मानव के द्वारा, और उसके द्वारा जो कृषि कार्य करना यहाँ शुरू कर दिया जाता है जब खाद्यान्न की उसे अतिरिक्त खाद्यान्न की आवश्यकता होती है। इस तरीके से तो मानव जीवन अगर बात की जाए पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल की बजाय नवपाषाण काल में मानव काफ़ी विकसित सभ्यता में जो यहाँ प्रवेश कर चुका था, और मानव जीवन धीरे धीरे जो तरक्की और उन्नति की तरफ चल रहा है जिसका आज हम
एहसास कर रहे हैं। और ये जो वर्तमान समय में बात की जाए, इतनी विकसित सभ्यता में हम रहते हैं, तो ये विकसित सभ्यता के पीछे काफ़ी जो अपने पूर्वजों का यहाँ योगदान रहता है। तो आज हमने नवपाषाण काल के दौरान जो बात की है, पहले बात जो हम नवपाषाण काल के मानव के जीवन के बारे में पढ़ रहे हैं कि किस तरीके का उनका जीवन रहता है और किस तरीके का रहन सहन, खान पान, हमने मृद भांड, कौन से मृद भांडों का प्रयोग किया जाता है, और उसके अलावा जो व्यापार वाणिज्य कैसा था, उसी के तहत आज हमने जो भोजन और अग्नि का प्रयोग किस तरीके से मानव के द्वारा किया जाता है, शुरुआती दौर में जो मानव कैसे अग्नि से परिचित होता है, और संयोगवश जब उसे जंगल में, जंगल की आग में जो कोई जानवर, भुना हुआ जानवर मिलता है, उसके जो उसके मांस को वह मानव खाता है, तो वह उस अग्नि के प्रयोग को, अग्नि का प्रयोग करने के लिए प्रेरित होता है, और भोजन पकाने में अग्नि का प्रयोग इनके द्वारा शुरू कर दिया जाता है। और पत्थरों की रगड़ से, बांस की रगड़, पेड़ों की रगड़ से मानव द्वारा जो अग्नि को जलाना सीख लिया जाता है, और मानव जीवन यहाँ काफ़ी बेहतर हो जाता है। और अग्नि के प्रयोग से मानव द्वारा सर्दियों में अपना बचाव किया जाता है, भोजन को पका के खाया जाता है, और हिंसक जानवरों से अपना बचाव अग्नि के द्वारा कर लिया जाता है। अब बात करते हैं मृतक संस्कार की। तो मृतक संस्कार में हमें तीन तरह की जो क्रियाएं देखने को मिलती है, पूर्ण समाधान है जिसमें मनुष्य की मृत्यु के पश्चात उसे गड्ढा खोद कर दफना दिया जाता है, ज़रूरत की चीज़ें उसके साथ दफना दी जाती थी, उसे पूर्ण समाधान कहा जाता है। और आंशिक समाधान की बात करें तो आंशिक समाधान के तहत किसी मृत व्यक्ति के शरीर को जंगल में यूं ही जानवरों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। और कलश समाधान की बात करते तो यहाँ जो मृत व्यक्ति के शरीर को जलाकर और उसकी भस्म हड्डियों को एक मिट्टी के बर्तन में जो डालकर जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता था, उसे कलश समाधान कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, और किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच मुझसे पूछ सकते हो। और आज की क्लास में हमने जो नवपाषाणकालीन मानव के भोजन एवं अग्नि का प्रयोग और मृतक संस्कारों के बारे में जाना, और बाकी हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों आप सभी का, जो आप मन लगा कर पढ़ रहे हैं उसके लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।